सो हे एवरीवन, आज मैं 2021 में लॉन्च हुई द मिरेकल मूवी को एक्सप्लेन करूंगा। आईएमडीबी पे इस मूवी को 7.4 की रेटिंग मिली है एंड मूवी के राइटर डायरेक्टर है जी जैंग हुन, जिन्होंने बी विद यू मूवी भी बनाई। अगर आपको इस मूवी की भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है। सो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी शुरू होती है एक स्कूल से। प्रिंसिपल ऑफिस के सामने बो क्यांग, उसका छोटा भाई जुंग क्यांग बाहर इंतजार कर रहे थे। बो क्यांग 12 ग्रेड में थी। साइड वाली लेडी उससे कहती है, ओ अच्छा, मतलब अब तुम कॉलेज में जाने के लिए रेडी हो। बो क्यांग उससे कहती है, मैं कॉलेज नहीं जाने वाली, मैं तो बस अपने छोटे भाई और अपने डैड का अच्छा ख्याल रखना चाहती हूँ। बाद में हमें पता चला जुंग क्यांग मैथ्स कंपटीशन में फर्स्ट आया, स्कूल में ही नहीं पूरे क्षेत्र में। ये खबर बो क्यांग खुशी से अपने विलेज के लोगों को बता रही थी। वो जुंग क्यांग से बहुत प्यार करती। अब सभी लोग ट्रेन के नीचे उतरते हैं क्योंकि उन्हें अपने गांव जाने के लिए सबसे पहले ये टनल से जाकर एक ब्रिज पार करना पड़ता। वो सभी लोग उस ब्रिज से जा रहे थे, तब एकदम से उन्हें ट्रेन की आवाज सुनाई देती है जो टनल में से आ रही थी। उन सभी की जान बस जाते जाते बची। और हाँ, एक बात और, गांव में जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था जहाँ से वो जा रहे थे। अब कहानी सीधा 6 साल आगे की दिखाई जाती है। जुंग क्यांग भी काफी बड़ा हो गया। वो प्रेसिडेंट को लेटर लिख रहा था इस बारे में कि उनके गांव में आने के लिए कोई रास्ता नहीं है सिवाय इस रेलवे ट्रैक के। इतना ही नहीं, उसे ये पार करने के बाद सियोंगबू स्टेशन जाना पड़ता सिर्फ उसके कॉलेज के लिए। इसके वजह से वो रोज कॉलेज जल्दी नहीं पहुंच पाता। उसकी बस एक ही हम्बल रिक्वेस्ट है प्रेसिडेंट को उनके गांव में एक स्टेशन बनाने के लिए। उस ब्रिज पर कई लोगों की जान जा चुकी है। जुंग क्यांग के ये 54th वाला लेटर है प्रेसिडेंट को। अब वो जल्दी से बो क्यांग के साथ अपने कॉलेज निकल पड़ता है। जुंग क्यांग अभी भी वो हादसे को नहीं भूल पाया था जो मूवी के स्टार्टिंग में उनके साथ हुआ। जुंग क्यांग ने बो क्यांग का हाथ पकड़ लिया, उसे डर लग रहा था इसलिए। अब आखिरकार वो दोनों पहुंचे सियोंगबू स्टेशन। जिस ट्रेन में वो जाने वाले थे उसी ट्रेन के ऑपरेटर उनके डैड है। जुंग क्यांग और बो क्यांग के सामने उनके डैड होने के बाद भी वो उनसे नहीं बात करते, नहीं उसके डैड। आज उसका हाई स्कूल में पहला दिन था, उसमें भी वो लेट पहुंच गया। सेरेमनी होने के बाद उन दोनों ने मेमोरी के तौर पर एक दूसरे के साथ फोटो खींची। दूसरी तरफ जुंग क्यांग के डैड और उनके साथ के बाकी के लोग बैठकर डिस्कशन कर रहे थे क्योंकि शायद से गवर्नमेंट सियोंगबू स्टेशन बंद कर सकती है, उस स्टेशन का ज्यादा यूज नहीं होता इसलिए। उसमें ये लोग गवर्नमेंट के पास गए उनके विलेज में एक नया स्टेशन बनाने के रिक्वेस्ट के साथ एंड वो रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गई। उन सभी लोगों को किसी भी हालत में सियोंगबू स्टेशन बचाना था। अगले सुबह स्टेशन पर उसे कुछ लोग मिलते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने मूवी के स्टार्टिंग में जुंग क्यांग को मैथ्स कंपटीशन के लिए बधाई दी थी, उन्होंने उसे पहचान लिया। वो लेडी उससे कहती है, अगर तुम जियोंगजू स्टेशन जा रहे हो तो क्या तुम मेरे बेटी को साथ लेकर जा सकते हो। अब फिर से वो कॉलेज लेट पहुंचा। क्लास में सिर्फ 5 मिनट बचे थे टेस्ट खत्म होने। जुंग क्यांग को बस 1 मिनट लगा सभी सवालों का जवाब निकालने में। ये देखकर हम ही नहीं टीचर भी हैरान थे। अब हम मिलते हैं उसकी क्लासमेट राही से। वो कुछ ज्यादा ही जुंग क्यांग में इंटरेस्टेड थी। राही अपने दोस्त से कहती है, तुम्हें नहीं लगता जुंग क्यांग कुछ ज्यादा ही इंटेलिजेंट है? मैंने उसे कई बार तंग करने की कोशिश की पर वो नहीं हुआ। राही जुंग क्यांग का पीछा करते हुए लाइब्रेरी में उसके टेबल पर आकर बैठ जाती है। वो जिस भी टेबल पर जाता वो भी वहीं पर आ जाती। इस फ्रस्ट्रेशन में जुंग क्यांग उससे पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए? तब वो भी बोलती है, तुम मुझे लाइक करते हो ना। ये सुनते ही वो एक अजीब सा मुंह बनाकर वहां से चला गया। बो क्यांग उससे कहती है, अगले हफ्ते डैड का बर्थडे आ रहा है तो उन्हें लेटर लिखो या फिर सॉक्स दे दो।
वो रिप्लाई देता है, भूल जाओ, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला और मैं ना ही उन्हें गिफ्ट देने वाला हूँ। दूसरे दिन जुंग क्यांग एक और लेटर प्रेसिडेंट को भेज रहा था। ये चीज राही देख लेती है। उसे और उसके दोस्त को लगता है ये लेटर उसने किसी लड़की को भेजा, क्योंकि ये समय था 1968, क्योंकि तब लेटर ही एक कम्युनिकेशन का पार्ट था। जुंग क्यांग प्रिंसिपल ऑफिस में था। टीचर क्यांग उसे एक असाइनमेंट देते हैं। टीचर क्यांग उसे बोलते हैं, तुमने लाइब्रेरी के सभी बुक्स पढ़ लिए, अब ये पढ़ो। उसे लग रहा था कि टीचर क्यांग ने उसे अपना काम दे दिया। ये सभी चीजों के दौरान राही और उसकी दोस्त जुंग क्यांग के बैग से लेटर निकाल कर पढ़ रही थी। तब उसे पता चला उसके प्रॉब्लम के बारे में। आज कई दिनों के बाद जुंग क्यांग के डैड घर पर आए थे। देखते ही देखते उन दोनों का झगड़ा शुरू हो गया। इस बात पर उसके डैड चाहते थे कि वो सियोल जाकर पढ़े और वो नहीं जाना चाहता था तब तक जब तक यहाँ पर रेलवे स्टेशन नहीं बन जाता। बस इसी बात पर उनका झगड़ा शुरू था। डैड वहां से उठकर चले जाते हैं। अगले सुबह रही माफी मांगकर कहती है, क्या वो लेटर तुमने लिखा? ऐसे कौन लेटर लिखता है, उसमें कई सारे स्पेलिंग मिस्टेक्स थी। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ लेटर लिखने में, एंड ऑल्सो क्या तुम्हें पता नहीं मेरे डैड कांग्रेसमैन है, मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ये सुनकर उसे ना चाहते हुए भी राही की मदद लेनी पड़ी। राही उसे लेटर लिखने के बहाने से कई अलग अलग जगह घुमाने लेकर गई। साथ ही साथ उनका लेटर लिखना भी कंप्लीट हुआ। लेटर पोस्ट करने के बाद हमें ये भी पता चला जुंग क्यांग सभी विलेजर्स को वापस विलेज जाने में मदद करता, इसकी वजह से उसे जल्दी जाना पड़ता। राही उससे कहती है, तुम इतने होशियार हो तो एक काम क्यों नहीं करते, तुम वहाँ पर एक सिग्नल बना लो जिससे कि लोग तुम्हारे बिना भी वहाँ से जा पाए। जुंग क्यांग ने वैसे ही एक सिग्नल बनाया। पहले तो वो बो क्यांग को सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन वो एक कोने में मुंह फुलाकर बैठी थी। इस वजह से उसे बताना ही पड़ा, क्योंकि वो बो क्यांग को दुखी नहीं देख सकता। विलेजर्स भी उसके ये आइडिया से बहुत ज्यादा खुश हुए। अब उन्हें ट्रेन का इतना डर नहीं। जुंग क्यांग ने वो असाइनमेंट कंप्लीट करके टीचर क्यांग को वापस करा, लेकिन उन्होंने उसे और असाइनमेंट दे दिया। वाह रे वाह उसकी किस्मत। एक जगह बो क्यांग उसे बोलती है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपने दोस्तों को शुक्रिया कहना चाहिए, उन्हीं की वजह से तुम इतना ज्यादा पढ़ रहे हो। जुंग क्यांग बोलता है, मैं क्यों उनको शुक्रिया कहूँ, मुझे शुक्रिया और किसी को बोलना चाहिए। बट वो राही के बारे में उसे नहीं बताता। लाइब्रेरी में राही ने उससे एक सवाल पूछा कि क्या है तुम्हारा ड्रीम। जुंग क्यांग को बचपन से एक एस्ट्रोनॉट बनना था, लेकिन वो उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरी वजह ये भी है, उसे अपने विलेज को छोड़ने की इच्छा नहीं थी। जब तक स्टेशन नहीं बन जाता तब तक। राही का भी एक सपना है, जुंग क्यांग का सपना पूरा करना। वो उससे पूछती है, क्या तुम मेरे साथ सियोल चलोगे पढ़ाई करने, लेकिन उसने नहीं कहा। और एक बात और, राही के डैड उसकी कोई मदद नहीं कर सकते। वो उसे कुछ नॉवेल्स देती है ताकि उसे प्यार की फीलिंग समझ में आए, लेकिन वो नॉवेल का नाम था द मैंस मैन। गाइस आपको नहीं लगता कि ये बुक्स उसके लिए गलत है? छोड़ो, अगले ही पल वो नॉवेल को पढ़ रहा था। बो क्यांग ने उसे ये नॉवेल पढ़ते हुए पकड़ लिया। उसे लग रहा था जुंग क्यांग अपने मेल फ्रेंड को डेट कर रहा है। तब उसने बो क्यांग को बताया वो एक लड़का नहीं लड़की है। वो भी इस चीज से खुश थी जुंग क्यांग किसी लड़की को डेट कर रहा है। अगले दिन वो राही के साथ डेट पर गया। साथ ही साथ उसे राही के साथ और टाइम स्पेंड करना था, लेकिन बस इस बार एक चीज अलग थी। जुंग क्यांग भी उसके साथ बहुत इंजॉय कर रहा था। अब राही भी फ्रस्ट्रेट हो गई, क्योंकि अब तक प्रेसिडेंट की तरफ से एक भी रिप्लाई नहीं आया। वो बोलती है, तुम्हें स्टेशन ही बनाना है ना, तो तुम खुद क्यों नहीं बना लेते, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। लेकिन उसने ये बना भी लिया तो इट्स इम्पॉसिबल विदाउट परमिशन। तब उसके दिमाग में एकदम से एक आइडिया क्लिक हुआ। जुंग क्यांग टीवी पर जा सकता है स्कॉलरशिप की मदद से। अगर उसने टॉप किया तो वो प्रेसिडेंट से भी मिल पाएगा। अब क्या वो दोनों लग गए प्रैक्टिस करने।
उसने एग्जाम के दिन कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से राही गुस्सा हो गई। वो एग्जाम के बीच से ही वॉशरूम की वजह से उठकर चले गया। लेकिन रुको, आप अब सोच रहे होंगे जुंगक्यांग फेल हो गया। ऐसा नहीं है, वो फर्स्ट आया था। बट क्या ही फायदा उसकी इतनी मेहनत का, प्रेसिडेंट की जगह सुपरिटेंडेंट उसे अवार्ड देंगे, मतलब ये भी चांस उसका गया। राही के पास एक और प्लान था, प्रेसिडेंट से जाकर डायरेक्ट मिलने का। जुंगक्यांग से ट्रैवल भी नहीं हो पाता, ये भी प्लान फेल हो गया। राही अब जुंगक्यांग को अपने घर पर लेकर जाती है मूवी दिखाने। उसी मूवी में कुछ अडल सीन चल रहे थे, इस वजह से ये दोनों भी किस करने वाले थे। बस उसी वक्त राही की मॉम भी घर पर पहुंच गई। क्या ही किस्मत है जुंगक्यांग की। अगले सुबह क्लास में सभी स्टूडेंट्स आ गए बस राही के सिवा। जुंगक्यांग इसी सोच में डूबा हुआ था, तभी उसे अर्जेंटली प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया। राही के डैड उससे मिलना चाहते थे। उनके कुछ बोलने से पहले ही जुंगक्यांग घुटने में बैठकर उनसे माफी मांग रहा था। उसे लगा राही के डैड को उनके बारे में सब कुछ पता चल गया, पर ऐसा नहीं था। उसके डैड स्पॉन्सरशिप ऑफर करने आए थे आगे की पढ़ाई के लिए। एक चीज और, राही भी उसके साथ रहेंगी सियोल में। बोगैंग भी कहती है कि वो सियोल जाकर सक्सेसफुल बने, वो स्टेशन बाद में भी बना सकता है। ऐसा मौका उसे शायद से ही फिर से मिल पाएगा। जुंगक्यांग ने कहा, मैं यहाँ पर ही रहना चाहूँगा तुम्हारे साथ। वो अपने डैड की राय भी सुनना चाहता था, बट उसके डैड जल्दी में उसे मिले बगैर ही चले जाते हैं। रात को ट्रेन से आते हुए जुंगक्यांग ने देखा उसी ब्रिज के नीचे कई सारे लोग किसी को ढूंढ रहे थे। उसके डैड भी इसके वजह से ही सुबह जल्दी में गए। दुखद बात ये थी, जो लेडी उस पानी में गिरकर मरी वो वही लेडी है जिसकी छोटी बेटी को जुंगक्यांग ने स्कूल में छोड़ा था। बस इसी के बीच में पास्ट की एक बड़ी बात हमें पता चली जिसके वजह से मुझे तो शॉक लगा है, आपको भी लगेगा। मूवी के शुरुआत में सभी लोग ट्रेन से तो बच गए, लेकिन उस चक्कर में बोक्यांग गिरते हुए ट्रॉफी को बचाने के चक्कर में वो खुद वहां से गिर गई। बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी किसी को उसकी बॉडी नहीं मिली सिवाय उस ट्रॉफी के। जुंगक्यांग के डैड इस हादसे की वजह से बहुत टूट गए, उसके डैड भी वही सुसाइड करने गए। जुंगक्यांग ने उन्हें तब आवाज देने की वजह से उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हुआ। जुंगक्यांग के लिए अब उस ट्रॉफी का कोई मायना नहीं रहा, उसने उस ट्रॉफी को कहीं दूर फेंक दिया। जुंगक्यांग के डैड इस घर को, इस विलेज को छोड़कर कई दूर जाना चाहते थे, एक नई शुरुआत करने। जुंगक्यांग अपने कमरे में आया तब उसकी वो ट्रॉफी टेबल पर रखी हुई थी। कैसे बताता हूँ, ये किया बोक्यांग ने। उसे जुंगक्यांग की चिंता थी इसलिए वो वापस आ गई, लेकिन स्पिरिट फॉर्म में। वो जब तक उस घर में रहेगा तब तक बोक्यांग भी उसके साथ रहेगी, यही वजह है उसकी ये घर ना छोड़ने की। इसी कारण से बोक्यांग कभी भी एज्ड नहीं हुई, क्या आपने वो नोटिस किया था। अगले दिन भी वो उसके डैड के साथ नहीं जाता, उसे यहीं पर रहना था। अब आ जाओ करंट टाइमलाइन में। राही ने कई देर तक जुंगक्यांग की राह देखी जाने से पहले, लेकिन वो उसके साथ नहीं जाता, ये चीज वो भी थोड़ी दूर से देख रहा था। ऐसे करते करते कई दिन गुजरे। जुंगक्यांग को एक बहुत ही अच्छी खबर मिली, प्रेसिडेंट ने स्टेशन बनाने के लिए परमिशन दे दी, क्यों उस लेटर के वजह से। बट दिक्कत ये थी, प्रेसिडेंट ने परमिशन तो दे दी लेकिन इकोनॉमिकल बजट की वजह से वो अभी स्टेशन नहीं बना सकते लगभग लगभग एक साल तक। जुंगक्यांग ने बाकी गांव वालों से कहा, हम खुद ही स्टेशन बना लेंगे, उसकी बात कोई सीरियसली नहीं लेता। अगले दिन से जुंगक्यांग खुद ही लग गया स्टेशन बनाने, उसके साथ कोई नहीं था सिवाय उस छोटी सी लड़की के। रात को बोक्यांग ने उसे उसके लिए आया हुआ पार्सल दिया, उसके अंदर राही की रिकॉर्डेड वॉइस थी। बस आप अब उसने क्या कहा वो सुनो। उसने कहा, मुझे पता है तुम मुझे देखने के लिए बेताब हो रहे हो, तुम्हें नहीं पता प्यार में कई कठिनाइयां आती है। जब भी तुम्हें मेरी याद आए तब हमारी की हुई पहली किस को याद करना, अगर रोना है तो बस रो लेना, अपने फीलिंग्स को मत दबाना। अगले दिन देखते ही देखते सारे लोग वहां पर उसकी मदद करने आ गए। फाइनली उन सारे लोगों ने स्टेशन बना लिया, उन सब ने मिलकर नाम रखा यंग वन स्टेशन। एक मैगजीन के पब्लिशर जुंगक्यांग की कहानी पब्लिश करना चाहते थे कि कैसे उसने और बाकी के विलेजर्स ने मिलकर स्टेशन बनाया। अलसो घर पर
एक सरप्राइज उसका इंतजार कर रहा था। राही सियोल से यहाँ बस उसके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने आई, क्योंकि आज उसका बर्थडे था। डिनर के दौरान वो बार बार उसे एग्जाम देने के लिए कह रही थी, मतलब अगर उसने एग्जाम पास कर लिया तो वो अमेरिका फ्री में पढ़ने जा सकता है। ये बात बोकियांग को भी अब पता चली, इसलिए उसने राही को चुप करवा दिया। जुंगकियांग राही को कहीं लेकर जा रहा था, उससे पहले उसने जुंगकियांग से पूछा, तुम गे तो नहीं हो, तुमने मुझे रिप्लाई क्यों नहीं किया? वो उसे लेटर भेजना चाहता था। प्रॉब्लम ये थी, उसे राही का एड्रेस ही नहीं पता था। वो दोनों वहाँ पर पहुँच गए, लेकिन वहाँ पर ऐसा क्या था आप खुद ही देख लो। वहाँ पे कई सारे फायरफ्लाइज थे। इस पल को एक चीज ने याद बना दी, राही ने उसे किस किया। टीचर कैंग ने उसे बिना पूछे एग्जाम के लिए रजिस्टर कर लिया। ये एग्जाम सीरियसली बहुत टफ होने वाली है। जो भी स्टूडेंट अगर पास हुआ वो नासा में जा सकेगा। आज वो दिन है जिसका सभी वेट कर रहे थे। आज पहली बार ट्रेन वहाँ पर आकर रुकेंगी, लेकिन उसके डैड ट्रेन को वहाँ पर नहीं रोकते। इसके वजह से सभी लोग उनसे गुस्सा थे और दुखी भी। जुंगकियांग के डैड को भी पता चला उस आर्टिकल के बारे में जो पब्लिश भी हो चुका है। वो पब्लिशर को फोन लगाकर बहुत गुस्सा करते हैं, इसलिए नहीं कि उन्होंने जुंगकियांग की स्टोरी पब्लिश की, इसलिए क्योंकि उसमें लिखा हुआ था उसकी मॉम और बोकियांग की मरने की वजह वो खुद है। डैड कहते हैं उसकी मॉम हॉस्पिटल ना जा पाई ट्रेन की वजह से, बोकियांग भी ट्रेन की वजह से ही नीचे गिरी। इसमें उसकी क्या गलती है? एक्चुअली ये लिखने के लिए जुंगकियांग ने खुद से उनसे कहा, उनकी कोई गलती नहीं है। जुंगकियांग की माँ और बोकियांग की वजह से ही उसे ये स्टेशन बनाना था। ये दो ही रीजन है इसके पीछे। ये चीज डैड को नहीं पता थी। अब आप सोच रहे होंगे उसकी मॉम के बारे में, पूरी मूवी में हमने उसकी माँ को कहीं नहीं देखा क्योंकि वो अभी इस दुनिया में नहीं है। जुंगकियांग स्टेशन के पास उदास बैठा हुआ था। बोकियांग आकर उसे बोलती है, क्या तुमने हार मान ली इसलिए कि ट्रेन नहीं रुकी? उसने ये स्टेशन इसलिए बनाया था, मॉम उसे जन्म देते हुए गुजर गई, बोकियांग भी उसे बचाने के चक्कर में नीचे गिर गई। उसे लगा इस स्टेशन बनाने की वजह से उसे माफी मिलेगी। वो चाहता था बस एक बार तो ही डैड उसे कहे, तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर मैं होता ही नहीं तो तुम मॉम डैड खुशी से रहते। मैंने बहुत कोशिश की खुश रहने की, लेकिन हमेशा मेरे साथ बुरी चीजें ही होती रही। बोकियांग उसे समझाती है, बंद करो खुद को ब्लेम करना, वो तुम्हारी गलती नहीं है। तुम नहीं चाहते थे कि डैड तुम्हें माफ कर दे, तुमने वो करके दिखाया जो शायद ही हो सकता था, वो था ये स्टेशन बनाना। उन दोनों के झगड़े में जुंगकियांग ने उस एग्जामिनेशन आईडी को दूर कहीं फेंक दिया। इन सभी चीजों को डैड थोड़ी दूर से देख रहे थे। उन्हें भी एक चीज दिखी जिसके वजह से वो भी इमोशनल हो गए। जुंगकियांग ने इंटरेस्ट पर लिखा था, ये स्टेशन बोकियांग के याद में बनाया है। डैड रोना चाहते थे, लेकिन तभी टीचर कैंग ने उन्हें अर्जेंटली बुला लिया। टीचर कैंग उन्हें समझाते हैं कि कल सियोल में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम है। इस एग्जाम के टॉप स्टूडेंट अमेरिका जा सकते हैं पढ़ने, और उनकी ट्रेनिंग नासा में भी होगी। उनके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, 9 बजे एग्जाम शुरू होगा। डैड को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था, कोरिया के टॉप स्टूडेंट में से एक उनका बेटा भी है। टीचर कैंग को उनकी सिर्फ परमिशन चाहिए थी, वो खुद ही जुंगकियांग को लेकर जाएंगे। डैड ने अगले सुबह सभी रूल्स को तोड़ते हुए अनाउंस कर दिया कि ट्रेन यांगवन स्टेशन रुकेंगी। उनके हिसाब से यही एकमात्र तरीका है उनके बेटे का सपना पूरा करने का। डैड ने ट्रेन रोककर जल्दी से जुंगकियांग के पास गए उसे लेने, बट अब सब खत्म हो चुका था क्योंकि उसके पास एग्जामिनेशन आईडी ही नहीं थी। एक सेकेंड रुको जरा। बोकियांग ने पूरी रात ढूंढकर आईडी को उसके पास लाकर दिया और कहा, अगर तुम फेल भी हो गए तो ठीक है, लेकिन ट्राई करो। टीचर कैंग उसके साथ जाने वाले थे, लेकिन डैड उसके साथ जाना चाहते थे, भले ही उन्हें गाड़ी चलानी आती हो या फिर नहीं। वो दोनों कैसे तो वहां पर पहुंचे और जुंगकियांग ने एग्जाम दे दिया। कई दिनों के इंतजार के बाद उसे एक लेटर मिला, लेकिन उसने वो लेटर देखा और वो बहुत दुखी था।
डैड उसे कहते हैं, एक एग्जाम में फेल होने से जिंदगी खत्म नहीं होती। लेकिन उन्हें पता ही नहीं था जुंगयांग ने पूरे कोरिया में फर्स्ट रैंक लाया। ये सुनते ही उनकी खुशी का बिल्कुल भी ठिकाना नहीं था। उनकी खुशी इतनी ज्यादा थी कि वो पूरे गांव में भागते हुए सभी को बता रहे थे। रात को डैड ने उसके सामने कुछ बातें कन्फेस की। उन्होंने कहा, जब तुम्हारा जन्म हो रहा था तब अगर उस दिन मैं जल्दी पहुंच जाता तो तुम्हारी माँ बच जाती। मैं अपने जॉब में ही ज्यादा व्यस्त था इसलिए वहाँ पर नहीं आ पाया। मुझे किसी चीज का बहुत पछतावा है। अगर मैथ्स कॉम्पिटिशन के दिन वो उसके साथ होते तो आज बोकैंग जिंदा होती। उस ट्रेन को भी वही चला रहे थे। ये सभी उन्होंने उसे इसलिए बताया क्योंकि वो खुद को दोषी ना समझे। डैड जुंगयांग से बहुत प्यार करते थे लेकिन उन्हें लगता था उन्होंने जिनसे भी प्यार किया वो लोग आज उनके पास नहीं है, इसलिए उन्होंने अपना प्यार कभी नहीं जताया। जुंगयांग ने उन्हें शुक्रिया कहा इसलिए कि उन्होंने उस दिन सुसाइड नहीं किया। ये बात सिर्फ डैड को ही पता थी। वो कहते हैं, तुम्हें इस चीज के बारे में कैसे पता? उसने कहा, ये मुझे बोकैंग ने अपने सपनों में आकर बताया। अब अगले दिन वो यहाँ से जाने वाला था। उसने सभी लोगों के साथ एक फोटो खींची। ट्रेन में वो दोनों आखिरी बार एक दूसरे के गले लगकर रो रहे थे। क्यों? अब बोकैंग हमेशा के लिए फ्री होने वाली है, एक वादे के साथ कि वो हमेशा ऊपर से उसे देखेंगी। और वो वहां से चली गई। एयरपोर्ट पे एंड टाइम पर राही वहां पर आई उसे मिलने। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि वो दोनों एक दूसरे के गले मिलेंगे लेकिन ये हुआ। वो गुस्सा थी कि वो बिना बताए जा रहा है। तभी जुंगयांग ने उसे किस कर लिया और यहाँ पर ये मूवी खत्म होती है। सो गाइस, ये थी 2021 में लॉन्च हुई मिराकल मूवी की एक्सप्लेनेशन। एक्चुअल में ये कहानी 1980s के वक्त की एक कहानी के ऊपर बेस्ड है। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। सो बाय बाय।